सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तेजस यादव और आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने गोवा की। हमारा पूरा ग्रुप जा रहा है, स्कूल का एक दोस्त नहीं जा रहा, वो भी आ रहा है लेकिन वो कह रहा है मुझे भी लेके चलो। बट हमने पहली विला के अंदर कोलैब की, मतलब मैंने कोलैब की बुकिंग करवा रखी है, तो उसके थोड़े मजे लेंगे कि भाई तू नहीं चल सकता हमारे साथ। जा रहे हैं, दस लोगों का ग्रुप बना हुआ है, टिकट सबकी हुई है, तेरी नहीं हुई बस। तू शॉपिंग करने जा क्यों रहा है? लेकिन भाई देख, तीन ज्यादा लोगों की बात भी तब होगी जब तू अपनी टिकट ड्राइंग रूम में। भाई देख, तू किसी को लाएगा अपने साथ? सिंगल आएगा भाई, ले आता हूँ तो बढ़िया। सिंगल आएगा तो फिर यू आर अलाउड, अगर डबल आएगा कपल में तो उसके साथ ड्राइंग रूम में सोएगा। ड्राइंग रूम में कैसे सोऊंगा भाई? क्या हो गया तू? क्या वैसे भी शादी से पहले कुछ करना वरना तो होता है नहीं। शादी से पहले क्या होता है, मैं तो सिंगल हूँ। हाँ तो किसी के तो सिंगल चल लियो, फिर क्या दिक्कत है? किसी के साथ भी आएगा शादी से पहले थोड़ी कुछ करेगा, ड्राइंग रूम में सो जियो। नहीं, रैंडम लड़कियों को नहीं लेके जाएंगे भाई हम। अरे ऐसी किसी भी लड़की का नाम ले रहा है, इसको लेके जाऊंगा गोवा। तू मिला नहीं हो जस? और भाई फ्लाइट अगर बाई चांस लड़की नहीं मानी तो फिर फ्लाइट दूसरे नाम भी नहीं होगी। रेलवे की टिकट नहीं है, फाइनेंशियल तो आप कर दो, टिकट बुक क्या हो रही है भाई? गाना बंद करना, वो तुम दोनों को ही है। फाइनेंशियल इश्यूज तो वैसे दोनों को ही है। दिखा के रहे अभी इसका ब्लॉग में चली आई अभी तो। हाँ कोई नहीं, गोवा पहुंचने के बाद ब्लॉग डलेगा, उससे पहले तो डल नहीं सकता। ब्रेकअप हो गया गाइस, ब्रेकअप हो गया, इसलिए इसको ये नहीं पता कौन सी किस लड़की के साथ जाए। उसको लेके जाना पड़ेगा। भगवान क्या हो गया हमारी जनरेशन को? हां अभी वो सोच रहे कि हम सीरियस थे उस दिन। सही में तू लेके जा, तेरे को अपना रिलेशनशिप ठीक करना है तो उसको हमारे साथ बुला, हम उसको सिखाएंगे, माइंड वॉश करेंगे थोड़ा। सिचुएशन तो सोचेगा वो नहीं पाया। हां सिचुएशन हमने कोशिश तो करी थी पिछली बार। नो एंट्री इन स्टूडियो गाइस, ये राहुल की बुरी नजर लगी है गाइस हमें, हमारी शॉपिंग रह गई। मैं नहीं जा रहा, तो मतलब वो मेरी गांड ले लोगे तुम? नहीं ले रहे यार, प्यार से कर रहे। एक तो तेरे मजे ले रहे, अभी तो बेटा अभी तो बच्चे खेल रहे हैं। अभी मेन जो राहुल के जिसने काम कराया है लास्ट रिलेशनशिप का, आई वाज द मास्टर माइंड बिहाइंड इट, बट मेन हमारी कार्य था जो जिन्होंने काम करा था वो अभी नहीं। अभी तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका फटा ही नहीं है। तो गाइस कैसा लग रहा है ये गोवा शॉपिंग करने आया है? काम वाला लग रहा है, काम वाला। भाई तू ये क्या लेकर आया? पर वैसे सही लग रहा है। ओए वैसे मजाक शर्ट के इमेजिन करके व्हाइट शर्ट पहनी है, इसलिए अच्छा लग रहा है, बीच पे बढ़िया लगेगा व्हाइट शर्ट के साथ। अरे मजाक शर्ट कह रहा हूँ, व्हाइट शर्ट के साथ पहन के देख एक बार। चौथे में जा रही थी, कह रहा डॉक्टर लग रहा हूँ। कंपाउंडर ओए कैसे कैसे लग रहा है तेरा बॉयफ्रेंड बता? हैंडसम में बीच पे खड़ा हूँ ना, जब बात करी हो अपनी। इमेजिन यू आर इन गोवा एंड देन यू आर वेयरिंग दीज क्लोथ्स, फिर मस्त लगेगा। ओके रिपोर्ट, सोच तेरे हाथ में बियर है। दोनों भाई भाई सेम सेम, दिखाना एक बार दोनों जल्दी। आए जेल वो लग रहे हो, जेल की कैदी। लड़कियां जब दूसरे सेम लड़की को देख रहे हैं सेम कपड़ों में जेलिस फील करती है। हम देख के लेते हैं सेम कपड़े, लौंडे ये होते हैं लड़कों की दोस्ती, ये तो लड़कियों की दोस्ती के अंदर नहीं होता है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, लग रहा है। हाँ तू ले ले, सब में ले ले। दिखाइए गिरा दे। फाइनली एक दो तीन चार पांच लोगों ने 3500 रुपए की शॉपिंग करी है एक डेढ़ घंटे में। झूला झूल रहे हम, थक गए। मैच आज तो मैच का फाइनल है, आज मैच का फाइनल है। तो पता है मैच देखना आता है भाई, तेरे को पता भी है किसका मैच है, क्या है, क्या नहीं है। देखना आता है मुझे भाई, किसका मैच है? KKR और किसी एक प्लेयर का नाम बता दे। धोनी भाई, एक प्लेयर का नाम बता दे किसी मजाक सेट के। धोनी नहीं है हैदराबाद? साइना हैदराबाद में धोनी नहीं है। अरे मुझे देखना आता है कोई अच्छा, चल धोनी है एक, धोनी के अलावा कौन है हैदराबाद में एक प्लेयर? हार्दिक पांड्या।
और उसमें ये तू मजाक नहीं कर रही ना सीरियसली? सच्ची नहीं पता, पर मुझे देखना आता है मैच, जब जो जोन सा प्लेयर आ जाता है उसको देख लेती हूँ। जोन सा प्लेयर आया था उसको देख लेती हूँ। केकेआर के किसी एक प्लेयर का नाम बता। अरे बोल यार, मुझे बस ये पता है कि विराट कोहली आरसीबी में, इसके अलावा कुछ भाई अब मत बोल, मैं नहीं देख रहा मैच तेरे साथ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम जा रहे हैं जिम, 2 बजे की धूप में, पुशिंग पास माय लिमिट, 10 किलोमीटर चल के आया हूँ अपने घर से। यहाँ से सीधा गाड़ी नहीं लेनी है, जिम जाना चाहिए। धूप हो, कुछ हो, मर रहे हो, थंडर स्टॉर्म आ रहा हो, साइक्लोन आ रहा हो, सुनामी आ रही हो, गाइस खबर आई है रोहिणी में तूफान आया, तूफान। जल्दी चलो, चल ना, गाड़ी ला रहा हूँ, गाड़ी लेकर आते हैं, फिर इनको बिठाएंगे। भाई से भूखे लग रहा है, बारिश आया। अरे भाई छोड़ दूंगा, यहीं पे जाने, रुक जा, छोड़ दे, तेरे को दूर तो नहीं जाना, मैं छोड़ दूं। क्या मौसम हो गया भाई, आपको पता है मैं ना अभी इनके साथ प्रैंक कर सकता हूँ कि मैं दरवाजा नहीं खोल रहा, बट बात सिर्फ इतनी है कि साइना साथ है और साइना से लगता है अपने को डर, तो साइना हो सारे जल्दी भाग के आ रही है। साइना जल्दी भाग के आ रही है, बस ये जल्दी बैठ जाए, जल्दी 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 बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया। hey! क्या इरिटेट कर रहा है मेरे को, तो अपनी बंदी को बिठा लिया तूने? ओए क्या कर रही है, मत कर, रुक जा। अबे यार आयुषी बाहर खड़ी हो जा, लू नहीं लगेगी। कल गाइस जिम का बहाना मारा इसने, कह रही है लू लग जाएगी, लू बाहर। ये जो लोग बारिश के अंदर भी है, बेशरम मेहनत कर रहे हैं, जो ये लोग मेहनत कर रहे हैं धूप के अंदर, घूम रहे हैं अपने बच्चों के लिए पैसे कमा रहे हैं, उसको क्या, लोग अच्छा चला रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं, तू जिम नहीं आ सकती धूप में हैं? वाह, हे हे हे, पागल है मेरे प्यार में, पागल है। क्या लिखा है, आयुषी खुद को डम, तो इसके मुंह पे नहीं बोल सकती तू ये बात। सुबह का इस कौवे से बात कर रही थी, लेट हो गया, कौवे से बात कर रही थी। उसके भी दिखा ना, उसके तो है ही नहीं, उसके थोड़ी आते हैं, दिखा तो दे अपनी बंदी के, देख ना तू, साइड तेरे को शर्म नहीं आती, तू इतना कर रही है मेरे को यार, चीजों से लग रही है, साइना के भी दिखा ना अपनी बंदी के, साइना के तो है ही नहीं ना, कहीं है, कहीं है नहीं। अच्छा अच्छा, मेरी बंदी के बाल ही नहीं आते बॉडी पे, हां मैं तो अज्यूम कर रहा हूं, आए मेरी बंदी ना बाथरूम जाती है, ना पॉटी करती है, ना उसके बाल आते हैं, ना उसमें से स्मेल आती है, और नहीं है अभी। बाल कहीं कुछ नहीं, अबे चल ना तू मर्द, हट जा प्लीज, हट जा, हट जा प्लीज, हट जा, प्लीज हट जा, प्लीज हट जा, प्लीज हट जा, प्लीज हट जा, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं बनी लगता है यार, मेरे को नहीं बनी लगता है यार, प्लीज पागल है क्या, क्या कर रहा है यार, मेरे को नहीं बनी लगता है ये, चिपकली तो है अरे तो कुछ नहीं होता, कुछ खा थोड़ी, तेरे को दीवार की तरफ नहीं देखना, बस खत्म बात, अंदर जा सीधा, और अब तू, तेरे को सिर्फ अंदर जाना है और तेरे को सीधा अपना काम करना है, बस तेरे को देखना ही नहीं है दीवार पे कोई है, मत देख, मत देख दीवार पे, मत देख, फिर पूरा देख रही है ये, देख देख देख, फिर डर के बाहर आ जाएगी, मत देख भाई, मत देख, अरे इसके पीछे हो गई तो तेरे से मत कर, मैं कह रहा हूं मत देख, तू अंदर आ, अब तो मुझे भी नहीं दिख रही, देख कितनी बड़ी, ऑब्वियसली इसके अंदर जा चुकी है, ऑब्वियसली इसके अंदर जा चुकी है यार, मैं ना सीरियसली कंटेंट के लिए ये वीडियो के लिए नहीं कर रही, बहुत समय बहुत डर लग रहा है, मत कर। अच्छा ठीक है, ये मुझे रोक, मेरा कैमरा वहां पे, यहां तो रख दूं, इसके पीछे हो सकती है ना, चल आजा शूट कर यार, तो अभी शूट तो कर ले, तू देख ही मत चिपकली को, मार थोड़ी देगी तेरे को चिपकली, मेरे ऊपर चढ़ सकती है, अरे तो मार देगी तेरे को, कपूर ऐसे हो, कपूर और अम्मा, अम्मा क्या, चल चल, सॉरी सॉरी सॉरी, चल दो शॉट लेने ना,
चल ग्लो भी आ गया, अब तो यहाँ पे देखो ये रहा ग्लो को देखो गाइस, वो खाने आया है छिपकली को गाइस, ग्लो छिपकली खाता है, प्रोटीन सोर्स है वो उसका। चलो अरे जल्दी खत्म कर ले, मैं डर रही नहीं तो। अब वैसे भी लाइट के अंदर छिपकली बाहर नहीं आएगी, अंधेरे में ही जाती है, अंधेरे में मार डाल देती है। अपने साथ लेके घूम रहा था मैं, इसमें चेक करूंगा क्या है भाई, तू कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा। पोटली क्या है ये? ओ ये पोटली क्या है ये? इसकी हीरा मंडी की तवाइफ अपने बचपन की जो मेरे को लगा आपको भी शेयर करनी चाहिए हमें। अरे तो मैं ना छोटी थी, मैं होंगी कम से कम 5th 6th class 6th 7th में होंगी, तो हम लोग बच्चे बच्चे ऐसे पार्क में जाते थे नानी के घर की साइड, तो वहाँ पे 16-17 साल का लड़का, अच्छा खासा 16-17 साल का, उसको सब समझ है, वो पार्क में मास्टरबेट कर रहा है सबके सामने, और फिर उसको दिखाने के लिए, हाँ सबको लड़कियों को दिखाने के लिए, उसके आसपास लड़कियां, बहुत छोटा बच्चा था, मतलब कितने साल, कितने साल का? 16-17 साल का, 15-16 का था यार, लेकिन 16-17 साल के बच्चों में तो इतनी अकल आई जाती है। अरे पूरी अकल थी उसको, वो जानबूझ कर रहा था, और वो नशे में भी था, वो पागल था, मतलब ही वाज मैड, वो जानबूझ के लड़कियों के आगे कर रहा है, फिर उसको अंकलों ने बहुत सारे, तो किसी और, मतलब तूने ये नहीं देखा कि उसकी कुछ हेल्प करी जाए, कि किसी कोई अंकल वंकल आए? अबे हेल्प वैसे नहीं क्या कह रहा है ये मेरे को कौन सी हेल्प करूंगा उसकी, और तो पागल उसे, सॉरी 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 वो नहीं कह रहा भाई तू कह रही थी नशे में पागल है थोड़ा, ये मतलब वो है, तो किसी अंकल तो किसी अंकल वंकल को बोल दूं कि उसको, उसके बाद उसको वहां से थोड़ा डांट के, उसके बाद उसको थोड़ा देखो, उसके मम्मी पापा से बात करो, ये सब थोड़ा, मुझे नहीं पता, मैं वहां पे हेल्प कर रही थी, वहां पे अच्छा जी भैया, तू नहीं, तू नहीं कह रहा भाई, तेरे को तो ऐसी जगह से हट जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, लेकिन फिर उसको अंकल, किसी और ने हेल्प नहीं करी, आई डोंट नो अंकल वंकल ने कुछ करा होगा क्या, उसको मेरे ख्याल से तो डांट के भगाया था कि तू ये क्या कर रहा है, पता नहीं कुछ करा होगा भाई, पेरेंट्स को ये है अपने बच्चों पे ध्यान दो, मेरी वो वैसा मेरी मम्मी ने, वो ये बच्चा हमारा, चल मैं ऐसे कह रहा हूँ, हर किसी को कह रहा हूँ, हर जगह कुछ लोग होते हैं, तो हर मेरी मम्मी ने तो भाई, मैं अकेला सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मेरी मम्मी ने तो पूरा टाइम अपना मेरे को ही दिया है, बट मैं इस बात को बहुत क्रेडिट देता हूँ कि मैं नहीं बिगड़ा हूँ भाई, वो नहीं कह रहा मैं, बट मैं बहुत बड़ा क्रेडिट ये देता हूँ अपनी मम्मी को कि मैं इस बात में मैं बिगड़ा नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अब तक है, और थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस और ये सब होनी चाहिए, तो इतनी अकल बड़ों को बोलना चाहता हूँ, बच्चों के अंदर डालो, आधे बच्चों को तो इंस्टाग्राम ने बना रखा है सिग्मा मेल, और फिर वो सिग्मा मेल नहीं, तुम लोग सिग्मा फेल हो, ये एक लड़की से ब्रेकअप हुआ नहीं, ब्रेकअप होते के साथ ही गालियों वाली रील्स बननी शुरू हो गई, गाली वाली रील्स, हार्ड वर्ड्स, ये सब बोलना शुरू हो गए, सिंगल सारे, मतलब 90% ऑडियंस सिंगल लड़के जो रो रहे हैं भाई, देखो मैं एक साफ सीधी बात बता रहा हूँ, इंसान होता है इंसान, लड़का लड़की हटा दो, कि लड़की ऐसी है लड़का ऐसा, दोनों खराब हो सकते हैं, लड़की भी खराब हो सकती है, लड़का भी खराब हो सकता है, अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है तो आपके अंदर भी कोई कमी हो सकती है, उस चीज को एक्सेप्ट करो और अपने आप के अंदर एक बेटर इंसान बनो, ताकि आपको एक अच्छा इंसान मिले, क्योंकि जैसे आप खुद होते हो वैसे आप उसी टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हो, अपने आपको अगर बेटर करने पर ध्यान दोगे ना, तो आपके माँ बाप भी खुश होंगे, आप भी खुश होगे, और वो बंदा होगा, वो होती है सिग्मा मेंटालिटी, ये नहीं कि पहले बकवासे करना लड़कियों के बारे में, फिर अपनी मेंटालिटी बना लेना कि लड़कियां होती ही ऐसी हैं, लड़कियां भी करती हैं ये, मैं लड़कों लड़के भी बहुत गलत चीजें करते हैं, कुछ लड़के कुछ गलत काम करते हैं, तो हर लड़का वो नहीं होता, बस बहुत ज्ञान चुका है, इतना ज्यादा ज्ञान नहीं देना था मुझे। सो गाइस आप लोग हमारी पार्टियां जिम विम सब देखते हो, बट बस वही नहीं होता लाइफ में, बाकी स्ट्रगल्स भी होते हैं, अभी गर्मी में यहाँ पे सुबह से साइना सेकरी अपने नानू का ध्यान रखने के लिए हॉस्पिटल आई हुई है, और यहाँ पे हम इतना सारा खाना लेकर आए हैं उसके लिए, अभी शाम तक यहीं पे रुकेंगे, मतलब देखो ये सारी मेहनत वगैरह भी होती है, और उसके साथ मौज मस्ती होती है, सिर्फ मौज मस्ती है, सिर्फ जिम नहीं होता है, ये सारी मेहनत भी होती है, भगवान जी बस एक बात बोलनी है कभी, मतलब ये जो हॉस्पिटल के चक्कर वगैरह होते हैं ये जल्दी नहीं देखने लाइफ में, ये देखने नहीं है बिल्कुल, नहीं देखने, बिल्कुल मतलब ब्लेसिंग्स हैं दिल से उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में रुके हुए हैं, मतलब पूरी पार्किंग फुल है, 10th फ्लोर पर पार्क करनी पड़ी है, कितने लोग परेशान हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, जिम जाओ, खाना वाना खाओ बढ़िया, और गलत आदतों में मत पड़ो, नहीं तो यहाँ पे बहुत लाइफ का बहुत टाइम हॉस्पिटल में जा सकता है, जो कि आपके और आपकी फैमिली के लिए बड़ा मतलब बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकता है।
साइना का मानना है लिव लाइफ किंग साइज, हॉस्पिटल के अंदर भी पूरा क्या मील ले रही है, 56 मोर टाइप्स ये है, साथ में सैलेड फ्रूट्स डाइट के साथ, नो कॉम्प्रोमाइज। सुबह के 6 बजे से 2 घंटे की नींद सरवाइव करके तू सुबह से यहाँ पे आया। मैं भी 12 11 12 जब भी आया था मैं भी थक गया हूँ तब से। 1:30 देख ये लड़कों का काम है जो तू कर रही है। तो लड़का ही हूँ मैं, बड़ा इंप्रेस्ड हूँ मैं आज साइना से भी। आज क्योंकि मैंने देखा है ना मुझे करते हुए, मैं भाई 24 घंटे ऊपर नीचे। अभी मैं ना मतलब हमने यहाँ पे 2 बिल्डिंग है, एक में 10 फ्लोर की पार्किंग है और एक हॉस्पिटल है। तो पहले हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर जाओ, फिर वहाँ से नीचे आओ, फिर 10 फ्लोर ऊपर जाओ, फिर गाड़ी में से कुछ सामान लाओ, फिर गाड़ी निकालने के लिए कहीं जाओ, फिर बीच में किसी इंश्योरेंस के ऑफिस जाना है, कुछ करना है। और ये अकेले कर रही थी सब ये सब। अब हम साथ हो कोई नहीं भाई, मैं नहीं भाई, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तू करती है बहुत बड़ी बात है।